जब भी हम किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? आपका फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा बिल्डिंग आपका खड़ा होता है। और जो आपका फाउंडेशन है अगर वो आपका सही नहीं हुआ तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक बार को कुछ सुपर स्ट्रक्चर में गड़बड़ होगी तो आप बाद में ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है वो आपका सेटल हो रहा होगा और पूरा का पूरा बिल्डिंग आपका कॉलेप्स हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो आपका फाउंडेशन होता है उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए जानना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप साइट पर काम कर रहे हो या फिर आप कहीं पर भी ऐसे सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फाउंडेशन से रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिल रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रिइंफोर्स लाइफ लाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। देखो, हम किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करें तो उसमें किस तरह का फाउंडेशन आएगा ये काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जहां पे हम बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे किस तरह की सॉइल है, वो कितना लोड बियर कर सकती है और जो हमारा बिल्डिंग है उसका लोड कितना आ रहा है। ओवरऑल सभी तरह का लोड मिला के उसके बिहार पे जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो डिसाइड करते हैं कि वहां पे किस तरह का फाउंडेशन देना है, वो आपको ड्राइंग में उस तरह का बना के देते हैं। तो जो ड्राइंग में आपको दिया है वही आपको एग्जीक्यूशन कराना होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप फाउंडेशन का एग्जीक्यूशन कराएं तो उस समय आपको ऐसे क्या टेक्निकल पॉइंट ध्यान रखने हैं जिससे चीजें आपकी सही डायरेक्शन में जा रही हों। तो सबसे पहले आप जो पॉइंट देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, All loose pockets and soft spot are to be filled in mass concrete of grade M10. तो जब भी आप एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको होल्स वगैरह दिखाई देते हैं, कहीं से सॉइल वगैरह कॉलेप्स हो जाती है या फिर उसमें कुछ लूज पॉकेट्स वगैरह होते हैं, कुछ आपके सॉफ्ट स्पॉट्स वगैरह होते हैं, तो उसे हमेशा मास कॉन्क्रीट M10 के ग्रेड से आपको फिलिंग करनी है। और कई बार आप ये देखते होंगे कि जब हम लोग एक्सकवेशन करते हैं तो कभी आपने सोचा है कि जब हम एक्सकवेशन करें और जो भी आपको एज पर ड्राइंग जो भी आपको डेप्थ दिया हुआ है और उससे ज्यादा एक्सकवेशन हो गया तो फिर आप वहां पे क्या करेंगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर का एक्सकवेशन करना था फाउंडेशन की कास्टिंग करने के लिए, लेकिन वो 1.5 की जगह धोखे से आपका 1.75 हो गया, 2 मीटर हो गया। तो जो आपने 250 mm, 300 mm, 400 mm एक्स्ट्रा एक्सकवेशन किया है तो उसमें भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग कर रहे होते हैं। अब किस ग्रेड का कॉन्क्रीट करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बैकफिलिंग बिहाइंड द रिटेनिंग वॉल शैल बी कैरीड आउट ओनली आफ्टर द ग्राउंड फ्लोर स्लैब इज कास्ट एंड हैज अटेंडेड डिजाइन स्ट्रेंथ। तो जब हम लोग बेसमेंट वगैरह बनाते हैं तो उस समय आपकी जो रिटेनिंग वॉल है वो आपकी बन रही होती है। बिना रिटेनिंग वॉल के आप बेसमेंट कैसे बना सकते हैं? अब जो आपका रिटेनिंग वॉल है वो आपका मोस्टली RCC का ही होता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभार आपको ब्रिक वर्क का, स्टोन मशीनरी का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स में RCC का ही आपका जो रिटेनिंग वॉल है वो आपका बना रहे होते हैं। अब जो आपके RCC के पीछे जो आपको बैकफिलिंग करनी है तो आपका रिटेनिंग वॉल बनाने के तुरंत बाद आपको बैकफिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपने रिटेनिंग वॉल बनाया उसके बाद अगर आप बैकफिलिंग करेंगे तो उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है, हो सकता है कि वो आपका इंक्लाइंट हो जाए, हो सकता है कि वो आपका ढह जाए, कॉलेप्स भी हो सकता है। तो उस समय तो आपको बिल्कुल भी बैकफिलिंग नहीं करनी है। बैकफिलिंग आपको कब करनी है? तो जब आप पूरा रिटेनिंग वॉल बना लें और जो आपका ग्राउंड फ्लोर है बेसमेंट के ऊपर जो आपकी स्लैब आने वाली है वो आपकी स्लैब कास्ट हो जाए, उसमें प्रॉपर तरह से स्ट्रेंथ आ जाए, उसके बाद आप साइड से प्रॉपर आपको बैकफिलिंग करनी है और उसको प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन करना है। और जो भी आप बैकफिलिंग करें उसको ये ध्यान रखें कि आपको 200 mm की लेयर में करनी है और वहाँ पर प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन करना है। अगर आप कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में वहाँ पर कहीं से पानी आए और वो आपकी जो मिट्टी है वो आपकी सेटल वगैरह हो रही होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्पेस बिटवीन हार्ड स्ट्रेटा टू अचीव अ मिनिमम ऑफ 25 मीट्रिक टन पर मीटर स्क्वायर एंड बॉटम ऑफ रफ फाउंडेशन शैल बी फिल्ड विथ प्लम कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि जो आपका हार्ड स्ट्रेटा है उसके बीच का कम से कम जो आपका स्ट्रेंथ है वो आपका 25 मीट्रिक टन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, स्ट्रेंथ यानी आपका SVC सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। और जो आपका रफ फाउंडेशन है उसके बॉटम में आपको क्या करना है, प्लम कॉन्क्रीट फिल करनी है। अब प्लम कॉन्क्रीट क्या होता है आपको पता है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, बाकी आने वाले सेशंस में हम एक टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट का डिटेल वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, साइज स्टोन मशीनरी शैल बी इन सीमेंट मोर्टार 1:6 अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं कि आपका स्टोन मशीनरी का वॉल कर रहे होते हैं, ऐसी मशीनरी
जो हम लोग स्टोन के थ्रो करते हैं उसको हम लोग स्टोन मशीनरी बोलते हैं। तो उसमें जो हम लोग सीमेंट मोटर का यूज करेंगे वो आपको 1:6 का रेशियो रखना है। तो उसमें आपका 1 part ऑफ सीमेंट होगा और 6 part ऑफ आपका सैंड होगा। और स्टोन मशीनरी आपका दो तरह का स्टोन मशीनरी होता है, एक आपका रैंडम रबल मशीनरी होता है और एक आपका कोर्स रबल मशीनरी होता है। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर और लोकेशन के ऊपर कि हमें किस तरह का स्टोन मशीनरी करना है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। कंटिन्यूस बॉल फाउंडेशन शैल बी स्टेप्ड इन अ रेशियो ऑफ 1 vertical टू हॉरिजॉन्टल वेयर एवर लेवल चेंजेस आर नेसेसरी। तो जब हम लोग कहीं पे कंटिन्यूस बॉल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूस बॉल फाउंडेशन मींस जैसे आपकी कंपाउंड बॉल हो गई, ठीक है, तो वहां पे देखेंगे चारों साइड से आपका बाउंड्री होता है तो उसके नीचे हमें फाउंडेशन देना होता है। तो इस केस में आप वहां पे कंटिन्यूस बॉल फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम कंटिन्यूस बॉल फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप फॉर्म में बना रहे हैं, ठीक है ना, स्टेप फाउंडेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टेप आपने एक स्टेप बनाया, फिर दूसरा स्टेप बनाया, फिर इस तरह से आपने बॉल खड़ी कर दी। तो वहां पे जो आपको स्टेप का जो रेशियो रखना है, डेट रेशियो इज 1:2 horizontal। मींस जब आप 2 meter हॉरिजेंटल मूवमेंट करेंगे तब जाके आपका 1 meter वर्टिकल मूवमेंट होगा। तो डेट इज द 1:2 horizontal वेयर एवर लेवल चेंजेस आर नेसेसरी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। स्लोप्ड पोर्शन टू बी फिनिश्ड स्मूथ विथ ट्रॉवेल विदाउट यूजिंग मोर्टार, कॉलम पोर्शन टू बी फिनिश्ड स्मूथ विथ कॉन्क्रीट। तो जैसे आप स्लो फुटिंग वगैरह बना रहे हैं, ठीक ना, जो आपकी ट्रेपोजल फुटिंग्स वगैरह होती है, फिर किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो जो आपका स्लो पोर्शन है टू बी फिनिश्ड स्मूथ विथ ट्रॉवेल विदाउट यूजिंग मोर्टार, तो मोर्टार का यूज किए बिना आपको ट्रॉवेल की हेल्प से आपको क्या करना है, स्मूथ स्लोप प्रोवाइड करना है। ट्रॉवेल क्या होता है काफी सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, वो आपकी करनी होती है, वो आपने देखा होगा जो आपके मशीन वगैरह यूज करते हैं ब्रेक मशीनरी करते समय, तो उस तरह का एक टूल्स होता है जो मशीन वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ देखेंगे, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट सेल बी एज पर फुटिंग शेड्यूल राफ्ट डिटेल। अब आपको फाउंडेशन में किस ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करना है और फाउंडेशन के नीचे जो आपका पीसीसी वर्क होगा तो पीसीसी में किस ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करना है और जो आपका फाउंडेशन है या फिर राफ्ट उसमें किस ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज करना है, तो वो आपको फुटिंग के शेड्यूल में दिया रहता है, ठीक है। आप किसी भी ड्राइंग को खोलेंगे तो ड्राइंग को जब भी आप पढ़ें तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग करने से पहले तो आप देखेंगे ड्राइंग का जो आपका राइट कॉर्नर होता है, राइट कॉर्नर में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट की जनरल नोट्स दिए रहते हैं। तो उस जनरल नोट्स में आप देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स देखने को मिलती है कि हमें किस ग्रेड का कॉन्क्रीट यूज़ करना है। तो मोस्टली आप देखेंगे तो जो आपका पीसीसी का होता है उसमें जो आपका ग्रेड होता है M10 M15 होता है, और जो आपका आरसीसी में आपका M25 M30 इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं फाउंडेशन से रिलेटेड। आगे चलते हैं, अब फाउंडेशन के ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक ना, तो फाउंडेशन के ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बनता है तो उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, आप देख सकते हैं ये सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, देखते हैं कितने पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। ऑल एक्सपोज्ड कॉर्नर ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स शैल हैव स्ट्रेट एजेस एंड शैल बी चैम्फर्ड इन स्पेसिफाइड इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। तो जो भी आपके कॉलम्स हैं और जो आपके बीम्स हैं उनके कॉर्नर जो आपके एक्सपोज हो रहे हैं तो उनको हमें क्या करना है, प्रॉपर तरह से चैम्फर करना है, ठीक है ना, जो कि आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, कॉन्क्रीटिंग ऑफ कॉलम्स बीम्स फेशिया एंड थिन सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट मेंबर्स शैल बी कैरीड आउट यूजिंग अप्रूव्ड प्लास्टिसाइजर एज पर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस। तो जो भी आपके कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, जो आपका फेशियस वगैरह है या फिर जो आपके कॉन्क्रीट के थिन सेक्शन मेंबर्स वगैरह हैं, तो उसमें जो हम लोग कॉन्क्रीट करेंगे तो उसमें हम लोग एज पर अप्रूव्ड और एज पर स्पेसिफाइड आपका प्लास्टिसाइजर यूज करेंगे जो कि आपका एडमिक्सचर्स होता है। और एडमिक्सचर्स पर भी मैं चाहता हूँ कि एक डिटेल वीडियो बनाए, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आने वाले सेशंस में हम लोग एक एडमिक्सचर पर डिटेल वीडियो बना रहे होंगे कि एडमिक्सचर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा एडमिक्सचर कहाँ पर यूज करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कौन सा IS कोड है, उस सब पे हम बात करेंगे अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, कॉन्क्रीट पोरिंग टेस्टिंग रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेल बी एज पर रिलीवेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो जो भी हमारे RCC मेंबर हैं, फुटिंग बीम कॉलम स्लैब स्टेयर केस, उसमें जो हम लोग कॉन्क्रीट भर रहे हैं तो उसको कॉन्क्रीट पोरिंग बोलते हैं, कॉन्क्रीट की पोरिंग हो रही है, हम कॉन्क्रीट का टेस्टिंग कर रहे हैं, फॉर्मवर्क का रिमूवल कर रहे हैं, तो वो आपका एज पर IS कोड होना चाहिए, जो भी आपके स्टैंडर्ड IS कोड होते हैं पोरिंग टेस्टिंग और रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्कर के लिए। आपको लिए पता है कि हम लोग IS 456 का यूज कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेंटरिंग ऑफ कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लैब प्रोजेक्शन
shall not be removed unless roof slab above is cast and cured and sufficient balancing load is attained, provided 3 camber to cantilever beams and slabs. तो जो आपका कैंटिलीवर बीम्स वगैरह हैं, जो आपकी स्लैब वगैरह हैं, तो उसका जो हम लोग फॉर्मवर्क लगाते हैं उसको सेंटरिंग बोलते हैं. तो उसको जब तक रिमूव नहीं करना है जब तक जो हमारा रूफ स्लैब है वो प्रॉपर तरह से कास्ट नहीं हो जाता है और उसमें आपकी जो सफिशियंट स्ट्रेंथ है वो नहीं आ जाती है. नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, बिफोर पोरिंग फ्लोर लेवल कॉन्क्रीट द फ्लोर सिस्टम बिलो शैल बी सफिशियंटली सपोर्टेड बाई मीन्स ऑफ प्रॉपिंग एंड दिस सिस्टम शैल बी अप्रूव्ड बाई द इंजीनियर इंचार्ज. नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कॉन्क्रीट इन टॉयलेट किचन वाटर बॉडी एरियाज शैल बी मिक्स विथ अप्रूव्ड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड एंड वाटर प्रूफिंग ओवर स्लैब्स एंड साइड्स ऑफ वॉल शैल बी डन एज पर आर्किटेक्चुरल डिटेल्स. तो जब भी आप टॉयलेट में कॉन्क्रीटिंग वगैरह कर रहे हैं, किचन में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, फिर ऐसी जगह कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे पानी आने की पॉसिबिलिटीज है, तो वहाँ पे हमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का यूज करना है, जो कि नॉर्मल लोग ध्यान नहीं देते हैं. तो जब भी आप किचन टॉयलेट्स वगैरह में कॉन्क्रीटिंग करवाएं तो वहाँ पे वाटर प्रूफिंग कंपाउंड का जरूर यूज़ करें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का कोई इशू ना आए. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर शैल चेक ऑल दी ओपनिंग्स एज पर आर्किटेक्चुरल सर्विस ड्राइंग्स एंड शैल प्रोवाइड नेसेसरी ट्रिमिंग बार्स. नो एडिशनल ओपनिंग शैल बी ड्रिल्ड इन स्ट्रक्चर अनलेस अप्रूव्ड. ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट पॉइंट की आप बात करेंगे, कॉन्क्रीट शुड बी प्लेस्ड in thin layers which can be efficiently compacted as the placing proceed say in 300 mm. तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कॉन्क्रीट पोर करें तो थिन लेयर्स में करें ताकि प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन हो जाए एंड वाइब्रेटर वगैरह सही से चला पाए. आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हेन कास्टिंग कॉलम्स वॉल्स और बीम्स ऑफ डेप्थ 700 mm और मोर अ लेयर ऑफ रिच सीमेंट मोर्टार शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट. दिस इज टू अवॉइड अक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेवल इन द बॉटम लेयर एंड टू हैव बेटर बॉन्ड. आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट शैल बी डन बाई द मैकेनिकल वाइब्रेटर. प्रॉपर केयर शैल बी टेकन टू अवॉइड सेग्रीगेशन एंड हनी कॉम्बिंग. तो जब भी हम कॉन्क्रीट पोर करते हैं तो उसके बाद हमें प्रॉपर तरह से आपका कॉम्पैक्शन करना है, मैकेनिकल वाइब्रेटर्स के यूज़ करने हैं, जो आपके नीडल वाइब्रेटर्स होते हैं वो हमें यूज़ करने हैं. अगर आप प्रॉपर तरह से वाइब्रेटर यूज़ करेंगे तो बाद में आपको हनी कॉम्बिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो सेग्रीगेशन और जो आपकी ब्लीडिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं कॉन्क्रीट में वो सब नहीं होगा. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स थे जो कि हमने फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस किया. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू सो मच.